सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोचक फैक्ट के माध्यम से राजीव दीक्षित के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आदमी की, स्वदेशी जिसकी रग रग में भरा पड़ा था, जो बात करता था तो पूरे तथ्यों के साथ, जो एक रहस्यमयी मौत मरा। नाम था भाई राजीव दीक्षित। यदि आज राजीव दीक्षित जिंदा होते तो अब तक शायद भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, रामदेव के पतंजलि से भी बड़ा। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 यूपी के अलीगढ़ में राधेश्याम और मिथिलेश कुमारी के घर हुआ। राजीव दीक्षित आईआईटी से एमटेक पास थे। बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया। राजीव दीक्षित अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेता था। कहता था कि वह पिछले 20 सालों में कभी बीमार नहीं पड़ा। राजीव दीक्षित बचपन में हर महीने 800 रुपये सिर्फ मैगजीन और अखबारें पढ़ने में खर्च करते थे। इस शख्स की रुचि बालकपन से ही देश की समस्याओं को जानने में थी। भाई राजीव दीक्षित जी स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता थे। उनके मन में बस एक बात बैठी हुई थी, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। वह देश से वैश्वीकरण और उदारीकरण को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों को देश से भगाना चाहते थे। वो भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद पर आधारित करना चाहते थे। राजीव दीक्षित भारत के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते थे। वो भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकाले की देन बताते थे। उनके अनुसार शिक्षा के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट है। राजीव दीक्षित ने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया और अपने जीवन में 13,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए। इनके व्याख्यान आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।